हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग जनरल नॉलेज जनरल स्टडीज फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो इसमें हम स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो रिविजन पर्पज़ के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विथ आर फर्स्ट क्वेश्चन, जो है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल। तो फेमस नॉवलिस्ट एंड हम कह सकते हैं फेमस राइटर एंड पोएट एंड अ रिवॉल्यूशनरी राम प्रसाद बिस्मिल, ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ HRA। अगर हम बात करें राम प्रसाद बिस्मिल की, तो इन्होंने काफ़ी फेमस पोएम लिखी थी जो अभी भी काफ़ी फेमस है, जिसका नाम है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसके अलावा अगर हम बात करें राम प्रसाद बिस्मिल की फेमस नॉवल्स की, तो इनकी नॉवेल्स हैं आत्मकथा और निज जीवन की एक छटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं राम प्रसाद बिस्मिल की। तो HRA वॉज अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मड इन 1923 टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था। इसके जो फाउंडिंग मेम्बर्स थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, सचिंद्रनाथ बख्शी एट्सेट्रा। अगर हम बात करें राम प्रसाद बिस्मिल की, सो ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ HRA। तो इसका फॉर्मेशन 1923 में हुआ था। इंडिया में एक और फेमस पार्टी बनी थी 1923 में, जिसका नाम था स्वराज पार्टी, और इसके जो फाउंडर्स थे वो थे सी राजगोपालाचारी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एनर्जी। तो एनर्जी की एक यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा एनर्जी की अदर यूनिट्स की बात करें तो जूल हो गया, कैलोरी एंड अर्क्स, दीज आर सम ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में जिस यूनिट को हम यूज़ करते हैं एनर्जी को मेजर करने के लिए, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो द एनर्जी वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी कॉमनली यूज इन एटोमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। अगर हम बात करें पावर की ऐसा यूनिट की, तो वॉट हो गया। करंट की ऐसा यूनिट की बात करें तो एम्पेयर हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हो गई वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को कहा जाता है एज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट और द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, ये आपने ध्यान में रखना है। किडनीज की बात करें तो किडनीज आर द ऑर्गन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। का जो काम होता है वो हमारी किडनीज करती हैं, ना कि हमारा हार्ट। तो ये आपने ध्यान में रखना है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। फंक्शन की बात करें तो नेफ्रॉन्स फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्लड सच एज सॉल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड एंड एक्सेस वाटर। तो इन सब का जो फिल्ट्रेशन का जो काम होता है वो हमारे नेफ्रॉन्स परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिटन किताब उल हिंद दैट गेव एन इंसिसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली 11th सेंचुरी इन इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अल बिरूनी। तो अल बिरूनी एक फेमस ईरानियन स्कॉलर थे जिन्होंने ये बुक लिखी है किताब उल हिंद, जो इंडिया के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है 11th सेंचुरी का, ये आपने ध्यान में रखना है। अल बिरूनी की बात करें तो इन्होंने इंडिया विजिट किया था इन द ईयर 1017 विद द महमूद ऑफ गजनी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो अल बिरूनी वॉज एन ईरानियन स्कॉलर, तो ईरान को बिलोंग करते थे। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न जियोडसी। किताब उल हिंद इज एन अरेबिक बुक ऑथर्ड बाय अल बिरूनी इन द 11th सेंचुरी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अल बिरूनी के निकनेम की बात करें तो इनको द मास्टर, यानी कि अल उस्ताद के नाम से जाना जाता था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अल उस्ताद जिसका मतलब होता है द मास्टर, और इनको फादर ऑफ इंडोलॉजी या फिर फादर ऑफ मॉडर्न जियोडसी भी कहा जाता है। तो चलिए
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइटल वॉज गिवन टू एम के गांधी विच ही गेव अप आफ्टर द जलियांवाला बाग मसाकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केसरे हिंद। तो केसरे हिंद का जो टाइटल है वो गांधी जी ने रिटर्न कर दिया था आफ्टर द जलियांवाला बाग मसाकर, जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये आपने ध्यान रखना है। महात्मा गांधी जी इनको जो महात्मा वाला टाइटल है वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ब्रिटिशर्स ने एंग्लो बोर वॉर के टाइम पे ये टाइटल दिया था गांधी जी को, और ये बोर वॉर कब हुई थी, 1899 से लेकर 1902 के बीच में ये वॉर हुई थी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो आर्यन टैगोर रेनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट एंड महात्मा गांधी गेव अप द टाइटल ऑफ केसरे हिंद बेस्टोड बाय द ब्रिटिश फॉर हिज वर्क ड्यूरिंग द एंग्लो बोर वॉर, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो आर्यन टैगोर इनने कौन सा टाइटल वापस किया था, नाइटहुड का, और महात्मा गांधी जी इन्होंने केसरे हिंद का टाइटल वापस किया। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्यन टैगोर को, तो इनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, गुरुदेव इनको जो टाइटल था ये दिया था गांधी जी ने। सो बेसिकली द वर्ल्ड पोएट एंड द बार्ड ऑफ बंगाल, कवि गुरु, ये कुछ इनके निकनेम्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था। द बैटल टुक प्लेस ऑन 14 January 1761 एट पानीपत। तो पानीपत में यह युद्ध हुआ था। द बैटल वॉज फॉट बिटवीन द मराठा एम्पायर एंड द अफगान एम्पायर लेड बाय अहमद शाह दुरानी। तो अहमद शाह दुरानी और मराठा एम्पायर के बीच में ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें बैटल्स ऑफ पानीपत की, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ा गया था, सेकेंड बैटल 1556 में लड़ा गया था, एंड थर्ड बैटल ये कहाँ लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, 1761 में, ये आपने ध्यान में रखना है। पानीपत की बात करें तो ये हरियाणा में सिचुएटेड है, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज अ डेफिशिएंसी ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन के। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से ही एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है आफ्टर अ सर्जरी या फिर इंजरी के बाद, ये आपने ध्यान में रखना है। सो एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। अ डेफिशिएंसी इन विटामिन के कैन मेक इट हार्डर टू स्टॉप ब्लीडिंग आफ्टर एन इंजरी और सर्जरी। तो अगर हम बात करें कि विटामिन के रिच वेजिटेबल्स या फ्रूट्स कौन से होते हैं जिसकी वजह से ये एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने से बचाया जा सके, तो स्पिनच हो गया, एवोकाडो and pear and peach, these are some of the fruits and vegetables which are rich in vitamin K. बात करें अगर हम vitamin A की, तो vitamin A का जो chemical name है या फिर scientific name है, it is retinol. Vitamin B की बात करें तो इसके काफ़ी टाइप्स होते हैं, लाइक B1 का थायमिन हो गया, B2 का राइबोफ्लेविन हो गया, इनको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे सेपरेटली। सिंपली विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम है, इट इज़ टोकोफेरॉल, एंड विटामिन के की बात करें तो फाइलोक्विनॉन इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान इज अ फोक डांस दैट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटका। तो कर्नाटका स्टेट का फेमस फोक डांस है यक्षगान, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा कर्नाटका के जो फेमस फोक डांस है वो है ढोलकुनिथा एंड नागमंडला, ये आपने ध्यान में रखना है। यक्षगान इज अ फोक डांस दैट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका। यक्षगान परफॉर्मेंसेज टेल स्टोरी अबाउट द रामायण, महाभारत और भगवद गीता की स्टोरीज और एपिक्स से रिलेटेड जो यक्षगान परफॉर्मेंसेज हैं उनको इन स्टोरीज के बेसिस पे परफॉर्म किया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। कर्नाटका की बात करें तो कैपिटल इसकी बेंगलुरु में सिचुएटेड है, और इसको स्पेस सिटी या फिर साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमिनेंट पर्सनैलिटी अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू गेट द ज्ञानपीठ अवार्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जी शंकरा कुरूप। तो जी शंकरा कुरूप वॉज द फर्स्ट वन जिनको मिला था ये ज्ञानपीठ अवार्ड, और ज्ञानपीठ अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है जो दिया जाता है। द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ द अवार्ड वॉज मलयालम राइटर जी शंकरा कुरूप, हु रिसीव द अवार्ड इन द ईयर 1965 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, जिसको द बैम्बू फ्लूट
या फिर ओडाकुजल के नाम से जाना जाता है, और ये कब पब्लिश हुई थी, 1950 में, ओडाकुजल, और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है द बैम्बू फ्लूट, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें 2024 का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो किसे मिला है, तो उर्दू पोएट गुलजार एंड संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु इनको मिला है, ये एंड संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु राम भद्राचार्य इनको मिला है ये ज्ञानपीठ अवार्ड कलेक्टिवली मिला है 2024 का, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1885 में। तो 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसका फॉर्मेशन हुआ था। सो ऑन 28 दिसंबर 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड एट द गोकुलदास तेज पाल संस्कृत कॉलेज, कॉलेज का नाम आप ध्यान में रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे विथ 72 डेलीगेट्स अटेंडेंस, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी वो बेसिकली आईएनसी की कहाँ हुई थी, तो ऑफकोर्स मुंबई में हुई थी, यानी बॉम्बे में हुई थी फर्स्ट फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर हम बात करें फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बैनर्जी, तो डब्ल्यू सी बैनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, एंड आईएनसी का फॉर्मेशन करने का क्रेडिट एओ ह्यूम्स को जाता है, एओ ह्यूम्स अलॉन्ग विथ डब्ल्यू सी बैनर्जी, ये आपने ध्यान में रखना है, एंड सम अदर मेम्बर्स। तो अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट, तो वो हो जाएंगी एनी बेसेंट। अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन लेडी प्रेसिडेंट, तो वो हो जाएंगी सरोजिनी नायडू, ये भी आपने ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मीन वेलोसिटी विथ विच द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारी अर्थ हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। अर्थ इज मूविंग अबाउट आवर सन इन अ नियरली सर्कुलर ऑर्बिट, जिनको हम इलेप्टिकल ऑर्बिट्स भी कहते हैं। इट कवर्स दिस रूट एट अ स्पीड ऑफ नियरली 30 किलोमीटर पर सेकेंड और 67,000 माइल्स पर आवर, ये आपने ध्यान में रखना है। अर्थ की बात करें तो हमारे अर्थ एक लौता प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो प्रोविजन है वो हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सो अदर देन दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मैनी फीचर्स दैट वर बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इंक्लूडिंग सिंगल सिटीजनशिप, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड रूल ऑफ लॉ। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से अडॉप्ट की है, ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है, ये आपने ध्यान में रखना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, USSR से अडॉप्ट किया है। फंडामेंटल राइट्स हमने USA से अडॉप्ट की हैं, एंड जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविजन है ये हमने अडॉप्ट किया है फ्रॉम USA से ही, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात। तो गुजरात हमारा इंडियन स्टेट है जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, सबसे शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन है गोवा की, ये भी आपने ध्यान में रखना है। गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया अलॉन्ग इट्स काठियावाड़ रीजन, द लेंथ ऑफ द गुजरात कोस्ट लाइन इज अबाउट 1600 किलोमीटर्स विच इज सराउंडेड बाय द अरेबियन सी। तो हमारे गुजरात की जो कोस्ट लाइन है उसकी लेंथ कितनी है, 1600 किलोमीटर, एंड और वो किससे सराउंडेड है, अरेबियन सी से सराउंडेड है। अगर हम बात करें कोस्टल स्टेट्स कितने हैं इंडिया में, तो बेसिकली हमारे इंडिया में 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, जो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। और इंडिया की कोस्ट लाइन की लेंथ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 7,500 किलोमीटर्स, और एग्जैक्ट की बात करें तो एनसीईआरटी के हिसाब से 7,516.6 किलोमीटर्स इज द लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
कमला नारायण इज ऑल्सो नोन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम के लिए फेमस है कमला नारायण, ये आपने ध्यान में रखना है। कमला नारायण इज नोन फॉर भरतनाट्यम अ क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम द साउथ इंडिया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस डांस फॉर्म को किसने इन्वेंट किया था, तो श्रीमंता शंकरा देव इन्वेंटेड एंड परफेक्टेड इंडियाज क्लासिकल डांस फॉर्म सितार्स। इट इज बिलीव दैट भरतनाट्यम वॉज रिवील्ड बाय लॉर्ड ब्रह्मा। और ऐसा माना जाता है कि जो भरतनाट्यम डांस फॉर्म है, इसे लॉर्ड ब्रह्मा जी ने रिवील किया था भरत को, जो एक फेमस सेज थे, हु कोडिफाइड द सेक्रेट डांस इन अ संस्कृत टेक्स्ट विच इज कॉल्ड इज नाट्य शास्त्र। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने ध्यान में रखना है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने भरत जो ऋषि थे, इनको ये डांस खुद रिवील किया था और इन्होंने इसे नाट्य शास्त्र में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बाकी डांस फॉर्म्स की बात करें, तो ये भी क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं। अगर हम बात करें ओडिशी की, तो ओडिशा में ये फेमस है। एंड अगर हम बात करें कथक की, तो कथक इज फेमस इन नॉर्थ इंडिया एंड स्पेशली इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें कथकली की, तो कथकली इज फेमस इन द स्टेट ऑफ केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर नोन एज बॉम्बे दर्पण इन 1832? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाल शास्त्री जम्बेदकर। तो बाल शास्त्री जम्बेदकर, इन्होंने मराठी न्यूज़पेपर जिसका नाम था बॉम्बे दर्पण, इसको स्टार्ट किया था। बाल शास्त्री जम्बेदकर इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट जर्नलिस्ट एंड द एडिटर इन मराठी लैंग्वेज। ही स्टार्टेड अ वीकली जिसका नाम था बॉम्बे दर्पण इन 1832 एंड दिग्दर्शन इन 1840। तो देखिए, टू इन्होंने वीकलीज को रिलीज किया था 1832 में, बॉम्बे दर्पण और दिग्दर्शन इन 1840। द फॉर्मर बीइंग द फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर हैज मैनी वर्क्स इंक्लूड द बुक्स इन हिस्ट्री एंड मैथ फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन कॉल्ड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो नेपोलियन ये एक फ्रांस के रूलर थे, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे फॉर एक्सपेंडिंग हिज टेरिटरी, अपनी फ्रांस की टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए काफ़ी फेमस थे नेपोलियन। अगर हम बात करें नेपोलियन कौन से युद्ध में हारा था, तो बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन वॉज डिफीटेड। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, और ये 1815 में हुआ था। तो अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की, तो इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अ ग्रेट वॉरियर एंड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया। तो गुप्ता का एक्सपेंशन करने के लिए एक फेमस थे। ही वॉज रिफर्ड टू एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया बाय हिस्टोरियन एवी स्मिथ। तो इनको ये नाम किसने दिया था? एवी स्मिथ ने दिया था, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट कॉन्करर हु सबड्यूड प्रोमिनेंट किंगडम्स एंड रूलर्स को इन्होंने जीता था समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त की बात करें, तो इनको कविराज के नाम से भी जाना जाता है, और द किंग ऑफ इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शंस के लिए, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रशस्तियों के लिए, काफ़ी फेमस थे समुद्रगुप्त। और ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते थे? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए, वीणा प्ले करते हुए अपने कॉइन्स में डिपिक्ट किए गए थे समुद्रगुप्त, ये आपने ध्यान में रखना है। अदर देन दैट, इनको कविराज के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस डस अलकनंदा एंड भागीरथी मीट एंड टेक द नेम गंगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर्स मिलती हैं, और इसके बाद से ही ये गंगा के नाम से जानी जाती हैं। एट देवप्रयाग रिवर्स अलकनंदा एंड भागीरथी मीट एंड फॉर्म गंगा। गंगा रिवर की बात करें, तो इसकी लेंथ 2525 किलोमीटर्स है। इसमें गंगा डॉल्फिन पाई जाती है, जो हमारी कंट्री की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। गंगा रिवर की बात करें, तो इसे नेशनल रिवर 2008 में डिक्लेयर किया गया था। अदर देन दैट, अगर हम बात करें गंगा रिवर की, तो गंगा रिवर ये इंडिया की एक होली रिवर है, जो ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर में भी जो स्पेशली जगह का नाम है, वो है गोमुख। गोमुख का मतलब होता है गाय का मुख। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी गंगा रिवर के बारे में, और इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा रिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गॉट इट्स सेंट्रल बैंक इन विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1935 में इंडिया को इंडिया का सेंट्रल बैंक मिला था, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिला था। इंडिया सेंट्रल बैंक इज नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 1935। बेसिकली डेट थी 1 अप्रैल 1935। द आरबीआई वॉज स्टैब्लिश एज अ प्राइवेट कंपनी, हाउएवर इन 1949 इट बिकेम अ नेशनल इंस्टीट्यूशन। तो बेसिकली अगर हम बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था? 1949 में नेशनलाइज हुआ था आरबीआई। इसके अलावा अगर हम बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई के फर्स्ट जो गवर्नर थे वो कौन थे? सर ऑसबर्न स्मिथ। तो यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, ऑसबर्न स्मिथ। स्मिथ की स्पेलिंग तो आप कर ही लेंगे। ऑसबर्न स्मिथ वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई की बात करें तो सी डी देशमुख वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। उसके अलावा अगर हम बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई का फॉर्मेशन हुआ था 1955 में, 1 जुलाई 1955। और 1 जुलाई को ही हम नेशनल डॉक्टर्स डे की तरह मनाते हैं। एंड अगर हम बात करें एसबीआई का फॉर्मेशन, तो 1955 में हुआ था और नेशनलाइज भी ये 1955 में ही हुआ था। और एसबीआई को इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, ये इसका ओल्ड नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द अर्लीस्ट अकरेंस ऑफ द मंत्र फेमस एज गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र पाया गया है, ये आपने ध्यान में रखना है। गायत्री मंत्र वॉज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द ऋग्वेद एंड वॉज रिटन इन संस्कृत अराउंड 2500 to 3500 ईयर्स बैक। इसके अलावा अगर हम बात करें वेदास की, तो चार वेद होते हैं बेसिकली, जिसमें से ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, देन सामवेद, देन अथर्ववेद एंड देन यजुर्वेद। यजुर्वेद एंड देन अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है इसको वेदा ऑफ ब्लैक मैजिक के नाम से जाना जाता है यजुर्वेद में। ये जो नाच के बारे में लिखा गया है और म्यूजिक के बारे में सामवेद में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।